तो अभी हम इसको काट लेते हैं, कट कर लेते हैं। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। अभी मम्मी गई हैं संचित को लेने स्कूल, और मैं नहा के तैयार हो गया। आज स्कूल 3:50 पे, आज भी स्कूल जाना है। और एनजे पब्लिक स्कूल के सारे बच्चे गए, और यहाँ पर चिड़िया उड़ रही है, चू चू की आवाज़ आ रही है, और तोते भी। तो अभी मम्मी बनाने जा रही हैं तिल के मिल केक। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ मम्मी कैसे बना रही है तिल के मिल केक। 200 ग्राम तिल ले लिया हूँ, उसको भून लेते हैं। थोड़ा ज्यादा नहीं भूनना है इसको, थोड़ा थोड़ा भूनना है इसको। थोड़ा थोड़ा भून रहे हैं। ठंडी में खाने में बहुत अच्छा लगता है मिल्क, तिल के मिल्क केक। आप लोग भी घर में बना के खाइए, और कमेंट में लिख के भेजिए कि कैसा लगता है तिल के मिल्क केक। बहुत आसान है, देखिए कैसे बना रहे हैं, बहुत आसान है बनाना। इसकी थोड़ी थोड़ी इसकी चेंज हो गई है इसकी कलर, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा खिला खिला टाइप के हो गया है तिल। इसको ज्यादा नहीं भूजना है, थोड़ा सा नहीं भूजना है, इसको निकाल लेंगे बाद में घी में, फिर थोड़ा सा भूगेंगे। आप कर दिए हैं, अब इसको थोड़ी देर चलाते हैं, गरम है कढ़ाई, फिर उसके बाद निकाल लेते हैं थाली में। तिल भूख गई है, कितना खिला खिला सी लग रही है। तिल के एकदम मिल के एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम बनती है, आप लोग भी घर में ट्राई कीजिएगा। ऐसे तो बनाते हैं लड्डू, उसको तो एकदम टाइट टाइट होती है लड्डू, और इसकी केक एकदम मिल्क केक, तिल के मिल्क केक एकदम सॉफ्ट सी एकदम नरम होती है। इसको 5 मिनट ठंडा कर लेते हैं, तब मिक्सी ग्राइंड में इसको इसको ग्राइंड करेंगे। इलायची इसमें थोड़ा सा कूट लेते हैं, 4-5 इलायची है। अभी इस जार में डाल लेते हैं। इसको रोक रोक के चलाना है, इसको इसको ज्यादा ग्राइंड नहीं करना है, रोक रोक के ग्राइंड करना है। मेरा तैयार हो गया है, बस देखिए इतना बारीक बारीक सी है। इसको ज्यादा ग्राइंड नहीं करना है, ऐसा ऐसा टेक्सचर होना चाहिए इसको। घी मतलब, और हमने गैस को कर दिए थे ऑन, उसके ऊपर रख दिए थे कढ़ाई, कढ़ाई के अंदर डाल दिए हमने घी, और घी को अभी हम मेल्ट होने देते हैं। तो तिल तो अभी हम डाल देते हैं इसमें तिल। आप ये बनाइए तो आपका ना बहुत सॉफ्ट बनेगा और अच्छा भी बनेगा तिल का केक, जिसका दांत नहीं रहेगा वो भी खा सकता है। तो इसको हमें बटर में करना है मिक्स, लो फ्लेम पे इसको हम फ्राई कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि अभी ये थोड़ा हलवा बन गया है, पर ये हलवा नहीं है। हाँ, इसको मिठाई बना रहे हैं, मिठाई। तो आप इसको ना केक और मिठाई दोनों बोल सकते हैं। और यहाँ पे अच्छी खुशबू भी आ रही है, तो आप इसको ना लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक पकाइए, मतलब फ्राई करना है हमें इसको। तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, तो अभी हम गैस कर देते हैं ऑफ। हमारा फ्राई भी हो गया है, और ये हमारा सेक गया है, थोड़ी देर चलाते रहना है ना, तो हम इसको ना थोड़ी देर तक चलाते रहना है, एक की तरफ लाल वरना एक ही तरफ सिर्फ गोल्डन एंड ब्राउन होगा, दूसरी तरफ नहीं होगा। तो
अभी हम डाल रहे हैं इसमें मिल्क पाउडर, जितना तीर है ना उससे हम थोड़ा सा कम ले रहे हैं मिल्क पाउडर, और हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो हमें इसको कुछ ऐसे मिक्स करना है, आप देख सकते हैं। तो हमें ना गैस ऑफ करके इसको करना है, मिल्क पाउडर को मिलाना है। अभी हम गैस को कर रहे हैं ऑन, और ऊपर रख दिए हैं पैन, और फिर पैन रखने के बाद हम इसमें डाल रहे हैं शुगर। जितना हमने ना शुगर डाले हैं उतना हमने तिल डाले हैं, और तिल लिए थे ना उतने, जितना बाउल में तिल लिए थे उतने चीनी डाल रहे हैं, और जितना चीनी लिए हैं उतना हम पानी डाल रहे हैं, वाटर। हमें इसका ना चिपचिपा सा वो चिपचिपा चाशनी बनाना है, एक तार के नहीं बनाना है, चिपचिपा से इसको चाशनी बनाना है। तो अभी हम शुगर को मेल्ट होने देते हैं। तो अभी हमारा मेल्ट होने लगा है शुगर, तो अभी हम इसको मेल्ट होने देते हैं, और हमें एक तार की नहीं बनानी, ना ही दो तार की, हमें सिर्फ इसको चिपचिपा बनाना है। तो अभी हमारा चाशनी में बॉइल हो रहा है, आ रहा है, और आप देख सकते हैं कितना बॉइल है इसमें। तभी हम इसको 2 से 3 मिनट तक और पका लेते हैं। तो अभी हमारा इतना गाढ़ा हो गया है, ज्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है, कुछ ऐसे। तो अभी हम इसको थोड़ा और पका लेते हैं, 2 मिनट अभी नहीं हुआ है, थोड़े से 1 मिनट और पका लेते हैं। तो अभी हमारा हो गया है, पूरे अच्छी तरीके से चिपचिपासी हो गई है, इतना चिपचिपासी, एक तार के नहीं बनाना है, खाली थोड़ा चिपचिपासी बनानी है। तो बस अभी हम कर देते हैं गैस को ऑफ, और इसको हम थोड़ी देर के लिए इसमें रख देते हैं, इसमें मिलाना, मतलब इसमें अभी मिला ही देते हैं। ध्यान रहे आपका हाथ ना जल जाए बस, और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करते करते हुए डालना है, एक साथ पूरा नहीं डालना। गैस ऑफ करके इसको मिलाना है, जब मिल जाएगी ना उसके बाद फिर गैस चालू करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पूरी तरीके से हलवा बन गया, तो हलवा नहीं बना है, तो हम जब गैस को ऑन करेंगे ना तो ये गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा थिन हो जाएगा, मतलब थिक हो जाएगा ये, अभी तो ये थिन है, तो बाद में ये जब हम गैस ऑन करेंगे तो ये थिक हो जाएगा बहुत। तो अभी हम डाल रहे हैं इसमें इलायची पाउडर, और फिर इलायची पाउडर डाल के फिर हम इसको कर दे हैं मिक्स, और इलायची पाउडर डालने से ना इसका मतलब टेस्ट ना इंक्रीज हो जाता है। तो अभी हम कर देते हैं गैस को ऑन लो फ्लेम पे, हमें इसको फिर फ्राई करना है, इसको पकाना है, मतलब पकाना है, गाढ़ा होने देते हैं इसको। तो अभी इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो गई है, और अभी हम इसको तीन चार मिनट के लिए थोड़ा और पका लेते हैं, देखते हैं ये बना या फिर नहीं। अभी नहीं बना है, इसको थोड़ी और टाइम लगेगा। अगर आपको इसको चेक करना है ना तो आप इसको एक प्लेट में रख सकते हैं, अगर ये नीचे चिपक रहा है तो फिर आपका नहीं बना है, अच्छे से नहीं हुआ है, अगर आपका नीचे नहीं चिपक रहा तो आपको हो गया। तो अभी हम इसको थोड़ा और पका लेते हैं, गाढ़ा कर लेते हैं। तो अभी हमारा कुछ ऐसा हो गया है, इसको ज्यादा पकाना भी नहीं है ना, तो इसकी पाक इसकी कड़ा हो जाएगा। फिर अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं हुआ या फिर नहीं।
तो अभी हमारा नहीं हुआ है? हो गया है अभी हमारा हो गया है। हल्का चिपक रहा है, ये मतलब हल्का सा चिपक रहा है, थोड़ा सा और होगा मतलब, तभी हम इसको 2 से 3 मिनट तक और नहीं, 1 मिनट, मतलब 1 मिनट तक और कर लेते हैं। तो अभी हमारा पूरी तरीके से हो गया है, गैस के ऑफ कर देते हैं। तो अभी हम गैस को कर देते हैं ऑफ। तो अभी हमारे घर में आ गया है राज, देखो कितना शरारती है। क्या कर रहा है? सच में वीडियो बना रहा है। देख इधर देख, क्या है? सच में वीडियो बना रहा है। तो ये रहा। तो अभी हमने प्लेट में ग्रीस कर दिए हैं, तो अभी हम सारा इसमें डाल देते हैं। हमने प्लेट में घी इसलिए ग्रीस किए थे ताकि प्लेट में चिपके ना। और ये बहुत थिक हो गया है, तो अभी हम इसको प्लेट के हिसाब से कर रहे हैं, पूरे फैला देते हैं। तो अभी हम इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं ताकि ये पूरी तरीके से फ्रीज हो जाए, मतलब थोड़ा ठंडा हो जाए। तो अभी हमारे यहाँ पे नीचे पिल्ला मिला है, ये भी है। ये देखो गाइस, ये जो पिल्ला है ये बिल्कुल पापड़ी की तरह है। मेरे बाप रे, इसके नाखून बहुत बड़े बड़े हो गए। बड़ा क्यूट है, कितने क्यूट है। तो अभी हम इसको काट लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो हमें इसको कुछ ऐसे काटना है। तो आप, तो हमने स्क्वायर शेप में काट लिया है, आप इसको कोई सा भी शेप दे सकते हैं। थोड़ी देर आप छोड़ देते हैं, अब हम थोड़ी देर तक इसको छोड़ देते हैं, और जल्दी है तो आप फ्रिज में भी डाल के ठंडा कर सकते हैं इसको। तो अभी हम जा रहे हैं इसको टेस्ट करने के लिए कैसा लगा है। तो मैं आपको बीज का तोड़ के दिखा देता हूँ कि कैसा है। ये देखिए, अंदर से कुछ ऐसा है सॉफ्ट, ये आराम से टूट भी जा रहा है। तो अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा टेस्टी है, और आप इसको घर पे भी ट्राई कीजिएगा। तो इसमें ना टाइम भी कम लगता है और कम इंग्रेडिएंट्स भी कम लगता है, तो आप इसको घर पे भी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मैं इस रेसिपी गाइड करता हूँ, तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइबर कमेंट कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। पर उससे पहले आप इसको घर पे भी ट्राई कीजिएगा, तो बाय।